है बलिया जनपद, सड़क और पुल दोनों को लेकर के समस्या ग्रस्त है। हम बात करना चाहते हैं बलिया के चारों तरफ बने बिहार को जोड़ने वाले पुलों का। जयप्रभा सेतु की स्थिति बड़ी खराब है और इस पर भारी वाहनों को लाना और ले जाना खतरे की घंटी है। इस बड़ी समस्या की ओर हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के ध्यान आकृष्ट किया है और उनका कहना है कि जयप्रभा सेतु पर कोई बड़ी दुर्घटना हो इससे पहले इस पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाए। समस्या यह है कि भारी वाहनों का प्रवेश रोक देना बड़ी बात नहीं है, अगर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाता है तो भारी वाहन यूपी में प्रवेश करने का कोई विकल्प नहीं है और किस रास्ते से वे वाहन उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर या बनारस के जनपद में जा सकते हैं। बलिया के जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने भी पुल का निरीक्षण किया और यह पाया कि पुल जर्जर स्थिति में है और जब कोई भारी वाहन इस पुल से गुजरता है तो पुल में कंपन सा महसूस होता है। माझी की जयप्रभा सेतु के मरम्मत की ओर जिला प्रशासन या सेतु निगम का कोई ध्यान नहीं गया है जिससे उसकी स्थिति और खराब होती गई है। पहले से ही हम जिक्र करें बिहार से जुड़ने वाले उजियार बक्सर सेतु का, इस पर पहले से ही जर्जर अवस्था होने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित, छोटे छोटे वाहन पुलिस की कृपा से आ जाते हैं और चले जाते हैं। अब बगसर, आरा, भोजपुर सहित छपरा, सिवान से आने वाले भारी वाहनों का एकमात्र रास्ता जयप्रभा सेतु है। मिलिट्री या अर्धसैनिक बलों को असम बॉर्डर या बंगाल तक भेजने का एकमात्र रास्ता जयप्रभा सेतु ही है। अगर किन्हीं कारणों से जयप्रभा सेतु को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो भारी वाहन इस रास्ते से बिहार, झारखंड या बंगाल, असम की ओर नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बलिया के लोगों को सड़क को लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक है और इस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही पुल के मरम्मत की दिशा में अत्यंत तेजी के साथ काम होना चाहिए। बलिया और देवरिया को जोड़ने वाला देवरहवा बाबा सेतु है, इस मरम्मत के बावजूद जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और भारी वाहनों के प्रवेश के समय यह पुल कांपने लगता है। 500 करोड़ रुपए से बने इस सेतु की स्थिति बनने से पहले ही अत्यंत भयावह हो गई है। अभी बरसात के समय इस सेतु का अप्रोच मार्ग बह जाने से आने जाने वाले लोगों के सामने विकट समस्या पैदा हो गई। जिलाधिकारी ने भी वही कदम उठाया कि मौके पर जा करके भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया। इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई और गंगा के उस पार बसे गांवों के लोगों को बलिया मुख्यालय आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरौली क्षेत्र की बात करें
तो वह भी इसकी अभी पुल तैयार नहीं हुआ है और वहाँ से सिवान जिला में आने जाने की इसमें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन ने बलिया में बने सड़कों और पुलों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बलिया के जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश शासन इन खराब सड़कों तथा सेतु की मरम्मत की ओर जल्दी ही कार्रवाई करेगा और मरम्मत का कार्य शुरू करेगा ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार की कनेक्टिविटी बनी रहे।